जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गॉस के प्रमेय क्या है, इसका सत्यापन करें। फिगर आप देख पा रहे होंगे, गॉस का प्रमेय विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। जहां आपका जो ε0 है वो निर्वात का परावैद्युतता है। सूत्र क्या हो गया, φ = σQ/ε0। तो अगर दो नंबर में पूछेगा तो गॉस का थ्योरम और उसका ये सूत्र हम लोग लिख देंगे। पांच नंबर में कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि गॉस का प्रमेय क्या है, इसका सत्यापन करें। तो पहले आप नोट कर लीजिए कि गॉस का प्रमेय क्या है, चित्र बना लीजिए, इसके बाद हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, पहले हम वो बता देंगे, आप उसके बाद सत्यापन कर लेंगे, आप पहले इसको नोट करेंगे। इसके सत्यापन के लिए हम लोग तीन छोटे चीजों पर चर्चा करेंगे। एक आपका है ठोस कोण, ये जो आपको यहाँ बन रहा है आपका कोण, ये आपका क्या है, ठोस कोण है। डी ओमेगा से इसको सूचित किए तो डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है dA cos θ/r². इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, ये आप दिमाग में रखिएगा, ठोस कोण का ये सूत्र होता है। तथा कुल ठोस कोण का मान निकालिएगा, dω = ω, इसका मान क्या होगा, 4π। एक मसाला जान गए, डी ओमेगा का मान dA cos θ/r² कुल निकालिएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये 4π हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जानते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E = A/Q, ये हम लोग को पता है। भरेंगे तो हमको आ जाएगा E = KQ/r², ठीक है। विद्युत क्षेत्रफलता क्या होगा फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, φ = E·A, इसको आप लिख सकते हैं eA cos θ, या फाइव को eφ जब लेंगे हम लोग e·dA हो जाएगा, लिख सकते हैं eDA cos θ। तो जान गए dφ = eDA, फॉर्मूला जान गए, फाइव का फॉर्मूला, या आप e·A करिए, e = KQ/r² तथा k का मान पता है कूलाम के प्रमेय से 1/4πε0, ऐसे करके आपका ε0। तो ये k का मान हो गया 1/4πε0 हो गया, फ्लक्स क्या हो गया φ = eA हो गया, और कुल ठोस कोण का मान क्या होता है, 4π होता है। ठोस कोण का फॉर्मूला dω = dA cos θ/r², ये आपका छोटा सा पॉइंट हो गया, फॉर्मूला हो गया, दिमाग में इसको नोट करेंगे तो सत्यापन कर पाएंगे। इसको लिखना नहीं है, इसको बस समझना है, अब हम इसका सत्यापन करेंगे। तो लिखेंगे एजम्पशन, सत्यापन स्टार्ट करेंगे, गॉस के प्रमेय का चित्र बनाए हुए हैं। माना कि किसी बंद तल या बंद तल एस कर देंगे, एस बंद तल एस के भीतर ओ बिंदु पर क्या आपका +Q आवेश स्थित है, और ये मेरा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र दिशा हो गया। छोटे क्षेत्र ये डीए वाला, ये वाला छोटा क्षेत्र डीए के कारण किसी बिंदु पी पर, क्षेत्र डीए के किसी बिंदु पी पर ओ से दूरी क्या लिए हुए हैं, छोटा आर है, तथा पी से बाहर की ओर थ्री है, बाहर की ओर परपेंडिकुलर खींचा गया है इस ई का कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, पढ़े होंगे वेक्टर में जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा हो जाएगा। पीएन थीटा कोण बनाता है, तो क्या हो जाएगा घटक का परिमाण ई कॉस थीटा हो जाएगा, आ गया। और ई का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, हम भर देंगे, ई कॉस थीटा हो गया। अब लिख सकते हैं तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा
आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये ई का फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। ई का फॉर्मूला क्या लिखे हम, के क्यू बटे आर स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देता हूं, आप समझ पाएंगे। ये क्या हो गया आपका, ई का फॉर्मूला आ गया के क्यू बटे आर स्क्वायर। अतः विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स छोटा लिए क्षेत्र, छोटा होगा फ्लक्स डी फाइव, बराबर क्या हो जाएगा मेरा ई आ गया है ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी ए, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे में क्या है, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई बराबर क्या है के क्यू बटे आर स्क्वायर है, लिख देंगे फिर। क्या आ गया d phi का मान क्या हो गया e cos थीटा d आ गया, तो क्या लिख देंगे d phi बराबर e का फॉर्मूला k q बटे r स्क्वायर। k क्या है, बड़े हुए हैं कांस्टेंट, k का मान 1/4 pi epsilon naught, तो क्या हो जाएगा cos थीटा d a। अब इसको थोड़ा अलग करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं d phi बराबर के क्यू में डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। हम इसको अलग कर दिया, क्यों अलग किया आप समझ रहे होंगे, किसका फॉर्मूला है ठोस कोण का, इसके पहले मैं बताया हूँ ठोस कोण डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अतः क्या लिख सकते हैं डी फाइव बराबर, आप के मान भर सकते हैं क्या हो गया क्यू, और इसका मान क्या हो गया आपका डी ओमेगा। क्लियर है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणे अल्पांश का क्षेत्रफल, यहाँ ई कॉस थीटा हो गया घटक, और क्षेत्रफल क्या हो गया आपका डी ए, ई का फॉर्मूला भर दिया के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई का मान क्या भरा हमने के क्यू बटे आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र भर दिया। अब उसके बाद इतना पार्ट को हमने अलग कर लिया, ये किसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसके जगह पर हमने क्या डाल दिया डी ओमेगा डाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा मान आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, ये हो गया डी फाइव बराबर, तो कांस्टेंट है कहाँ आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। अब टोटल क्यू को जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू हो जाएगा, ये बड़ा वाला है सिग्मा क्यू हो जाएगा। सिग्मा का क्या अर्थ है, लगातार जो कुल सम टोटल सम, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है और ये डी ओमेगा हो गया। आपको बता चुके हैं कुल ठोस कोण का मान, लेकिन कुल ठोस कोण का मान कितना होता है, कितना होता है 4 pi होता है, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 4 pi हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फाई फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटा 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये एप्सिलॉन नॉट है, इनटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन है, कुल ठोस कोण का मान कितना होता है 4 pi होता है, 4 pi से 4 pi क्या हो गया कट गया, क्या लिख सकते हैं फाइव बराबर 1/ε₀ गुणे सिग्मा क्यू, यही है आपका गॉस का प्रयोग, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की इसकी बहुत संभावनाएं रहती है, दो नंबर में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि किसी बंद तल के भीतर विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का, बंद तल के भीतर कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का
एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये सी लिखेंगे, पेट काटेंगे, जीरो, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, निर्वात की परावैद्युतता हो गया। कोष्ठकपुर में कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही है क्या आपका गॉस का प्रमेय है, इसे आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इसके आने की संभावना रहती है। आप इस वीडियो को एक दो बार चलाकर अच्छी तरह समझ लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। जय हिंद।